हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉर्म फिलअप कैसे करना है जो इस साल टाटा स्टील अप्रेंटिस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओके, पूरा मैं डिटेल के साथ बताऊँगा और जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं दिखाऊँगा। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भरना है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, लोग एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाया है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ डालना है, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी कहाँ डालना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, पूरा मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे आपको कोई गलती नहीं होगा अगर आप ये वीडियो देख लिए तो। ओके, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे फॉर्म फिलअप से रिलेटेड लेकिन आपको पूरा क्लियरली बताता नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊँगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ओके, एक तरह का एक लाइव प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिलअप का। ओके, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम में आ जाना है। ठीक है, गूगल क्रोम में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे टाटा स्टील लिखना है, यहाँ पे कैरियर्स में क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कैरियर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर जॉब्स स्लैश इंटर्नशिप। ओके, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर जॉब्स स्लैश इंटर्नशिप में क्लिक करना है। क्लिक कर दिए, इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। बहुत जन को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कि क्या करें सर, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ऐसा दिखा रहा है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो कैसे फॉर्म फिलअप करें, नेटवर्क प्रॉब्लम है या वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक तरह का होता है, कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट दिखाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडवांस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन में दिख रहा है, ये डेस्कटॉप मोड में दिखा रहा हूँ। जिसका मोबाइल मोड में जो फोन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उन लोगों का नीचे तरफ दिखेगा एडवांस करके। ठीक है, बैक टू सेफ्टी और एडवांस का ऑप्शन रहेगा, तो आप वहाँ पे एडवांस में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप एडवांस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू TSLHR TataSteel.com, वो भी अनसेफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेफ है, कोई अनसेफ नहीं है। ओके, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ओके, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करना है। ओके, जब एप्लीकेशन में क्लिक करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ट्रेड अप्रेंटिस 2021 में आपको यहाँ क्लिक करना है। ओके, अब आप इसमें क्लिक कर दिए, अब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या भरना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर। ओके, यहाँ पे तीन ऑप्शन रहेगा, एक नॉन एम्प्लॉयमेंट वर्ड EWRR JSR Works या EWRR RM locations, मतलब ये तीनों का ऑप्शन क्या बताओ। देखिए, पहला वाला जो ऑप्शन नॉन एम्प्लॉय वर्ड, मतलब जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स टाटा स्टील के एम्प्लॉय नहीं है वो लोग इसमें क्लिक करना है, उन लोगों को इसमें क्लिक करना है, नॉन एम्प्लॉय वार्ड में क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन, मतलब जिनके स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स या पे, तो वो लोग इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे, जैसे JSR Works, मतलब जिसके भी पेरेंट्स एम्प्लॉय है टाटा स्टील के, तो आपको इसमें क्लिक करना है और इसमें क्लिक करना है, सेकेंड और थर्ड में। जो अब यहाँ पर आता है स्पॉन्सर्स वर्किंग लोकेशन, जो आपके जो आपका वर्किंग लोकेशन कहाँ पे है आपको ये देना है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो झारखंड दीजिएगा, बिहार से तो बिहार दीजिएगा, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल दीजिएगा, उड़ीसा है तो दीजिए और उत्तर प्रदेश है तो दीजिए। ओके, तो अब मैं झारखंड दूंगा। यहाँ पे कैंडिडेट टाइप आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इसमें आपको से पूछा जाएगा लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने फॉर्म फिलअप किया। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है, ये होता है एक तरह का बेरोजगार बोलते हैं, जिनको जॉब नहीं लगा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं बेरोजगार वाला। ओके, जो अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन का, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल में, आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूँगा कि कैसे ऑनलाइन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नॉट रजिस्टर्ड में कीजिएगा। ओके, अगर है तो आप रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा। ओके, तो आपसे ना जब रजिस्टर्ड इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जब पूछा जाएगा ना, तो आपसे दो ऑप्शन आएगा, एक आपका आएगा लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, आपने कहाँ से ये लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फॉर्म फिलअप किया है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको मैं दिखाता हूँ।
तो ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो बोला है लोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, तो आपको यहाँ पे देखिए ये वाला आपको ये वाला मेंशन कर, जैसे मैंने घाटशिला से बनाया है तो मुझे यहाँ पे घाटशिला लिख देना है। ओके ओके, यहाँ मैंने घाटशिला लिख दिया। अब आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपसे मांगता तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा देंगे? देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन किया हो JH06 वाला, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने जो स्पॉन्सर वर्किंग लोकेशन, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको झारखंड का डोमिसाइल देना होगा, बिहार का है तो बिहार का देना होगा, वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल का देना। तो मेरा झारखंड था तो मैंने झारखंड का दिया है, तो मैं झारखंड का सिलेक्ट करूँगा। अब आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर कौन सा आपको देना है मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरा डोमिसाइल, आपका भी ऐसे कुछ डोमिसाइल दिखने को मिलेगा, ऑफिस ऑफ सब डिविजन ऑफिसर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट नंबर, ये जो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है ये वाला सर्टिफिकेट आपका सबका अलग अलग रहेगा। ओके, ये वाला छाप मत दीजिएगा, सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा डोमिसाइल का, तो ये डाल देना आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप में। ओके, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। और जो भी स्टूडेंट्स डोमिसाइल नहीं बनाए हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोमिसाइल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ टाटा स्टील अप्रेंटिस ही क्यों, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं या तो ITI में हो या तो BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक बनाए नहीं है तो वो लोग जाके बनवा लीजिए। हाँ, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनने में 1-2 महीना टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे कि भाई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी बन जाएगा तभी जाकर मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, तो आप ऐसा उम्मीद छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्योंकि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 1-2 महीना ज़रूर लगता है, और उससे भी ज़्यादा लग सकता है, मैक्सिमम 1-2 महीना लगेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर पता चल गया। तो आप नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम आप अपना फर्स्ट नेम दे दीजिएगा। जैसे मेरा नाम सौरभ मन्ना है तो मैं अपने यहाँ पे सौरभ दूंगा। जेंडर तो आपको पता ही है, कैटेगरी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो इसमें दे दीजिएगा। जैसे मेरा मोल है, ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट साइड। ओके, नेम ऑफ द फादर गार्जियन, आपका फादर का नाम देना ज़रूरी है। ईमेल आईडी ऑफ गार्जियन, अगर आपके फादर के ईमेल आईडी है तो दे सकते, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आधार नंबर आप अपना दीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब इसमें यहाँ पे आपको अपना खुद का डिटेल देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल। नेक्स्ट आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ओके, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, क्लास 10 कहाँ से किया, वो स्कूल का नाम यहाँ दे दीजिएगा। ओके, कौन सा बोर्ड, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने किया, अगर आप CBSE या तो ICSE या तो जैक या तो वेस्ट बंगाल से या तो BR, कहीं से भी अगर आपने बोर्ड दिया है तो यहाँ पर मैंशन कर दीजिएगा। ओके, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है आपका, वो भी आपको देना है, 2021 जो अपियरिंग है 10th वाले, तो बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट तो निकलने ही वाला है। CBSE ICSE वालों का तो रिजल्ट निकल गया, जैक वालों का भी रिजल्ट निकल गया, अब बारी है सिर्फ CBSE वालों का। ओके, तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का 10th अगस्त है, तो इसके बीच में आप लोगों का फॉर्म फिलअप, तो इसी के बीच आप लोगों का 10th का रिजल्ट निकल जाने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस से उम्मीद है। ओके, अगर निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे जो साइंस मैथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज बोला गया 70%, इस नोटिफिकेशन बोला कि आपको 70% होना ज़रूरी है। ओके, सिर्फ ओवरऑल 70% नहीं, ओके, आपको हर सब्जेक्ट में 70% होना ज़रूरी है। ओके, जैसे साइंस में 70% होना, मैथ्स में और इंग्लिश में, तीनों में 70% होना ज़रूरी है, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, अब इसमें क्या बोला, टोटल परसेंटेज, टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंशन इन मार्कशीट, कि जो सब्जेक्ट में आपको जो टोटल मार्क्स आया है उसका परसेंटेज निकाल के इसमें डाल दीजिए। ओके, या 70.1 70.2 जिसका भी वो लोग भर सकते हैं। ओके, और जो STSC कैंडिडेट्स हैं वो लोग का 60% होना ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं इमेज के बारे में। आप यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, वो भी JPG फॉर्मेट में, 200KB तक होना ज़रूरी, 200KB तक, और 200KB से कम भी होगा तो चलेगा। ओके, कलर फोटो देना ज़रूरी है, वो भी लेटेस्ट। ओके,
अपलोड सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर अपलोड करना ज़रूरी है, फादर का भी और आपका भी खुद का, ठीक है। तो सिग्नेचर कैसे दिखेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको ये करना होगा, मतलब एक पेपर में आपका नाम लिखना होगा, वही नाम को एज अ सिग्नेचर तौर पे और इसी को आपको अपलोड कर देना है। ओके, जैसा ये मेरा है सिग्नेचर, तो ऐसे आपको उसमें अपलोड कर देना है। ओके, मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देना, जिसका मार्कशीट है वो लोग यहाँ पे अपलोड कर सकता है। डोमिसाइल जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पीडीएफ में या तो जेपीजी में आप डाल सकते हैं, डोमिसाइल को भी और मार्कशीट को भी। ओके, और आधार भी आपको देना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आधार का प्रिंट देना। ओके, या तो आप जेपीजी फॉर्मेट या तो आप पीडीएफ फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जाँच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही बार चांस मिलता है। ओके, बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा, तो एक बार पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कहीं भी अगर मिस्टेक हो तो उसको सुधार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में आपको सुधार करने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, करने के बाद यहाँ पे आई एग्री में क्लिक कीजिएगा। आई एग्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा प्राइवेसी आपसे पूछा जाएगा, इसमें बोला है कि आपको ये कहाँ से मिला है। ओके, तो इसमें से आपको टिक कर देना है। ओके, प्लीज़ प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट एंड कंसेंट ऑन द एप्लीकेबल प्राइवेसी नोटिस। ओके, तो इसमें से क्लिक कर देना। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा प्राइवेसी नोटिस कंसर्न में क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तब आपसे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें कि सर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, पेमेंट कैसे करें। तो देखिए, आपको जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तभी आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, वो भी ऑनलाइन पेमेंट। ओके, तब तभी जाके आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और आपसे फॉर्म फिलअप कितना लिया जाएगा, 500 लिया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता है आपको पूरा डिटेल में पता चल गया हो, है ना। पूरा अच्छा से भरिएगा एकदम डिटेल में, मैंने जितना डिटेल में बताया उतना डिटेल आपको कोई बताया नहीं हो। ओके, तो उम्मीद करता है आपको ये क्लियर पता चल गया कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।